आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले इंस्टाग्राम की न्यू अपडेट के बारे में। तो इंस्टाग्राम ने 5 न्यू अपडेट दिए, आपकी रील्स के रिलेटिव, आपकी पोस्ट के रिलेटिव एंड आपकी स्टोरी के रिलेटिव एंड आपकी प्रोफाइल के रिलेटिव एंड आपकी हाईलाइट के रिलेटिव। एंड आप भी इन अपडेट को जानने के बाद में ये चीज़ बोलेंगे भाई यार मजा आ गया इस बार तो अपडेट दे के, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट दी इस बार इंस्टाग्राम ने, तो आपको इन अपडेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, बट आपको आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है। तो आज का ये वीडियो अपने यहाँ पे बिना टाइम स्टिक करते स्टार्ट। पहले सबसे पहले आपको भी अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना, अपडेट करने के बाद में आपको भी ये वाले फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो अपना मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, आपको सारे अपडेट के बारे में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अपन अपडेट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो अपडेट है यहाँ पे स्टोरी के रिलेटिव है, ठीक है। तो क्या अपडेट है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ स्टोरी के अंदर। जैसे मैं स्टोरी के अंदर जाऊँगा तो आपको एक न्यू फीचर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, कैमरे का आइकन ऐड वाला, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप यहाँ पे स्टोरी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाने के बाद कोई भी फोटो वीडियो मैंने सिलेक्ट कर ली, देन यहाँ से ही मैं डायरेक्ट यहाँ पे न्यू स्टोरी अपडेट कर सकता हूँ। अब पहले क्या होता था, काफ़ी चीज़ें हार्ड थी, जैसे कि आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता था, फिर आपको स्टोरी के अंदर जाना पड़ता था, फिर आपको गैलरी के अंदर जाना पड़ता था, फिर आपको फोटो वीडियो आपको सिलेक्ट करना पड़ता था, फिर आप यहाँ पे स्टोरी आप अपडेट कर पाते थे, ठीक है। बट इंस्टाग्राम ने चीज़ काफ़ी ईजी कर दी कि जैसे आप स्टोरी देखते देखते ही आप यहाँ पे कैमरे का आइकन के ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ से ही आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टोरी आप अपडेट कर सकते हो। तो यार ये वाला अपडेट भी काफ़ी अच्छा है, ओके। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे अपडेट नंबर 2 की। ये वाला जो अपडेट है वो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के रिलेटिव है, ठीक है। तो क्या अपडेट है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, ओके। जैसे कि मैं मेरे इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में जैसे मान लीजिए मुझे कोई फॉलो करता है या फिर मेरी पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, तो अपने पास नोटिफिकेशन आती है। तो अपन क्या करते हैं कि उस बंदे की प्रोफाइल को अपन ओपन करके देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, प्रोफाइल के ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो अपन इस प्रकार से उसकी प्रोफाइल को अपने यहाँ पे देख पाते थे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ने ये चीज़ और भी ईजी कर दी, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको इसकी प्रोफाइल के ऊपर आपको आपको टैप करके रखना है। जैसे आप टैप करके रखोगे तो आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इस बंदे की पोस्ट देख सकते हो, फॉलोइंग देख सकते हो, फॉलोअर्स देख सकते हो, यहाँ से ही, ठीक है। तो यार ये चीज़ इंस्टाग्राम ने काफ़ी ईजी कर दी है, आपको उसकी प्रोफाइल के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब से, ठीक है। तो ये वाला अपडेट भी काफ़ी अच्छा है, ओके। उसके बाद में अपडेट नंबर 4 की अपन बात कर लेते हैं। ये वाला जो अपडेट है वो यहाँ पे रील्स के रिलेटिव है, ठीक है। तो क्या अपडेट है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सी रील्स में वॉच कर ले, जैसे मैंने ये वाला रील्स मैंने वॉच कर ली, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि यार इस रील्स के ऊपर कितने व्यूज है, अगर मुझे चीज़ देखनी हो तो पहले क्या सीन था कि अपन को यहाँ ऐसे स्वैप अप करना पड़ता रहता कि भाई पता नहीं वो रील कहाँ कहाँ नहीं है। बट आप ये चीज़ काफ़ी ईजी हो चुकी है, ठीक है। कैसे वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि उस रील्स को मैंने देख लिया, देखने के बाद में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जस्ट वॉच लिखा हुआ आ जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा आपने ये वाला रील्स देख ली एंड आप इस रील्स की व्यूज भी आप देख सकते हो, ठीक है। पहले जस्ट वॉच वाला सिस्टम था ही नहीं, यानी ये वाला फीचर्स नहीं था कि आपने ये वाली रील देखी नहीं देखी, बट आपको अब से पता चल जाएगा कि आपने ऑलरेडी ये वाली रील्स आपने देख ली, ठीक है। तो ये वाला अपडेट भी काफी अच्छा है, ओके। इसके बाद में अपन बात कर लेते अपडेट नंबर 5 की। वाली जो अपडेट है वो यहाँ पे पोस्ट के रिलेटिव है, ठीक है। तो क्या अपडेट है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में जैसे कि कोई भी पोस्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा स्वैप अप कर देता हूँ, स्वैप अप करने के बाद जैसे कि ये वाली पोस्ट है, पहले क्या सीन था कि जैसे कि ये वाली पोस्ट है, इस बंदे ने यहाँ पे 3 पोस्ट कर रखी है एक ही बार में, ठीक है। तो जैसे कि मुझे कोई भी पोस्ट देखनी होती मुझे ऐसे स्वैप अप करना पड़ता था, ठीक है, एक ही पोस्ट को। बट ये काफ़ी ईजी हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये वाला आइकन आपको देखने को मिल रहा होगा, बस आपको यहाँ पे टैप करके रखना है एंड आपको वैसे फिंगर से आपको स्वैप अप करना, तो आप इजी तरीके से एक साथ कितनी भी पोस्ट को आप देख सकते हो। ये चीज़ और भी ज़्यादा ईजी हो चुकी है, तो ये वाला अपडेट भी काफ़ी अच्छा है इंस्टाग्राम के। ये थे 5 न्यू अपडेट। तो आपको इन 5 न्यू अपडेट के अंदर सबसे बेस्ट अपडेट आपको कौन सा लगा वो भाई को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हो सकता है कि 2 या 3 अपडेट आईफोन के अंदर आए हो, एंड्रॉयड के अंदर नहीं आए हो, तो बस अपन को थोड़ा सा वेट कर लेना, आपके पास में सारे अपडेट आ जाएंगे। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है सारे अपडेट आपके पास में आ गए होंगे, ठीक है। बस आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो बाकी
आपकी कोई भी दिक्कत हो तो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फिलहाल आज का ये वीडियो अपन ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपको सबसे बेस्ट अपडेट आपको कौन सी लगी एंड वीडियो को शेयर कर देना। बाकी चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट काफ़ी नीड है। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर आपको फॉलो कर लेना, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप डीएम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।